गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी एएसएमटी 13 से रिलेटेड है। काफी लोगों का यह सवाल आया है कि सर, अब हम लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से एएसएमटी 13 का जो नोटिस है, जो ऑर्डर है, वो इशू किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों इशू हो रहा है और इसका क्या करना है। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एएसएमटी 13 क्यों इशू किया जाता है और इसका क्या रिपरकेशन आपके साथ हो सकता है। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी एएसएमटी 13 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। एएसएमटी 13 को समझने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है सेक्शन 62 जो बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न की। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि आपको अगर जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपके पास जीएसटीआर 3A के अंदर नोटिस आता है, और अगर वो नोटिस का रिप्लाई भी आप नहीं करते हैं, उसके अंदर भी आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं 15 दिन के अंदर, तब आपके ऊपर सेक्शन 62 जो है वो लगाया जाता है और एएसएमटी 13 के अंदर असेसमेंट करके आपका जो डिमांड है वो बताया जाता है। तो सेक्शन 62 कहता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74 वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मतलब अगर आप जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करते हैं और सेक्शन 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46। कहने का मतलब है कि जीएसटीआर 3B आपने नहीं फाइल किया या फिर आपने कैंसिलेशन के बाद जीएसटीआर 10 नहीं फाइल किया इवन आफ्टर सेक्शन 46 के नोटिस। सेक्शन 46 का नोटिस जो होता है वो होता है जीएसटीआर 3A का। The proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered, and issue an assessment order within a period of 5 years from the date is specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates. कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 10 नहीं फाइल करेंगे जीएसटीआर 3A के आने के बावजूद भी, तो डिपार्टमेंट जो है नॉन फाइलर्स के रूप में आपका असेसमेंट करेगा और उसके अंदर आपको नोटिस और डिमांड जो है वो दे दिया जाएगा अंडर सेक्शन 62, और ये असेसमेंट होगा प्रॉपर ऑफिसर के बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, जो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसके बलबूते वो आपका असेसमेंट करेगा। सेक्शन 62 गवर्न होता है रूल नंबर 100 से। रूल 100 का सब रूल 1 कहता है असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। ये बात करता है द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62। 62 सब सेक्शन 1 के अंदर जो असेसमेंट होगा उसका ऑर्डर आपको इशू करके दिया जाता है जीएसटी एएसएमटी 13 के अंदर, एंड अ समरी देयर ऑफ शैल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 07। जो असेसमेंट डिपार्टमेंट ने किया, असेसमेंट का समरी ऑर्डर जो होगा वो आपको दिया जाएगा एएसएमटी 13 में, और जो आपका डिमांड अमाउंट होगा उसका समरी अपलोड किया जाएगा डीआरसी 07 के अंदर। तो बेहद जरूरी है जीएसटीआर 3A का कंप्लायंस करना। जीएसटीआर 3A क्या है, उसका क्या कंप्लायंस है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। उसका अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आपके ऊपर एएसएमटी 13 का जो कार्रवाई है वो स्टार्ट किया जाता है। ये हमारे पास है फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 13 जो कि रूल 100 सब रूल 1 के अंदर इशू किया जाता है। इसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कैसे कैसे आपको एएसएमटी 13 के अंदर जो है प्रोसीडिंग्स के बाद इशू किया जाता है ऑर्डर। अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में कोई भी तरीके की परेशानी का सामना करते हैं या फिर आपको किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए, तो आप उसके लिए क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं जिसका साइन अप लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर उसे साइन अप कर सकते हैं और 30 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उस लिंक से परचेज करते हैं। तो इसके अंदर आप 3B की फाइलिंग, 2A का रिकंसिलेशन, 1 की अपलोडिंग, साथ ही साथ GSTR 9 और 9C भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज ही जा करके इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ले। अब मैं आपको दिखाता हूं GST ASMT 13 जो है 100 सब रूल 1 के अंदर क्या बातें बताई गई हैं। यहां पे आया है असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। यहां पे बताया जाएगा द नोटिस रेफर्ड टू अबव वाज इशूड टू यू अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट
फॉर फेलियर टू फर्निश द रिटर्न फॉर द सेड टैक्स पीरियड। ये ऑर्डर तभी इशू किया जाएगा जब आपके पास जीएसटीआर 3A का नोटिस आ गया हो। जीएसटीआर 3A का नोटिस अगर नहीं इशू हुआ तो आपके अंदर एएसएमटी 13 का जो कार्रवाई है वो चालू नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये चेक करें, अगर आपके पास एएसएमटी 13 रिसीव हुआ है तो उसके पहले आपका जीएसटीआर 3A का नोटिस सर्व हुआ है या नहीं, क्योंकि एएसएमटी 13 के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा उसके अंदर लिखा रहेगा ये चीज, दिस नोटिस रेफर्ड टू अबव वाज इशूड टू यू अंडर सेक्शन 46। जीएसटीआर 3A का नोटिस इशू किया हो गया उसका रेफरेंस नंबर आपको एएसएमटी 13 में भी दिया जाएगा। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट इट हैज बीन नोटिस्ड दैट यू हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न टिल डेट। और 46 के अंदर जो आपको नोटिस दिया गया उसमें भी आपने अभी तक अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं करी है। Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under. इसीलिए department जो है अब अपने बलबूते पे आपका assessment कर रहा है जिसका amount जो है यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर introductory part रहता है जिसके अंदर वो कुछ details आपको mention किए जाएंगे। Submissions अगर आपने कुछ दी है तो वो दिया जाएगा। Discussion and finding अगर कुछ है तो वो रहेगा। साथ ही साथ conclusion के बाद amount assessed and payable Details at annexure. यहाँ पे आपके सामने tax का rate कितना है, turnover कितना है, tax period किस period से लेके किस period तक का आपका जो filing नहीं हुआ था उस period का act कौन सा है, CGST है, SGST है या IGST है, and place of supply कौन सा है। Place of supply कहने का मतलब है कि आपका interstate supply है या intrastate supply है, वो भी यहाँ पे determine करके दिया जाता है। उसके बाद tax amount कितना है, interest क्या है, penalty and others का जो amount है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। Please note that the interest has been calculated up to the date of passing the order while making payment. Interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order. ये जो order आएगा उसके अंदर जो interest amount होगा वो उस दिन तक का होगा जिस दिन order issue किया जाता है, लेकिन जिस दिन आप payment करेंगे उस दिन तक का interest आपको calculate करके suo moto जमा करना होगा। You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn. Otherwise, proceedings shall be initiated against you after the aforesaid period to recover the outstanding dues. सबसे पहला चांस आपको दिया गया GSTR 3A के 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दीजिए, वो आपने नहीं किया तो अब आपके ऊपर ASMT 13 इशू किया गया। ASMT 13 जिस दिन इशू हुआ उसके 30 डेज के अंदर भी अगर आपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपका प्रोसीडिंग जो है वो बंद हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 डेज के भीतर भी नहीं फाइलिंग करी तो आपके ऊपर फिर रिकवरी का प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। ये चीजें हो गई जो हमें जीएसटी एएसएमटी 13 के अंदर दी जाएंगी। अब इसका जो समरी है, ASMT 13 के साथ साथ आपका DRC 07 जो है वो भी आपको सर्व किया जाएगा, जो कि रूल 100 सब रूल 1 के अंदर बताया गया है कि समरी क्या होगी, जो डिमांड होगा उसका समरी क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपके साथ द डिटेल्स रहेगा समरी ऑफ ऑर्डर के अंदर कि आपका ASMT 13 का जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है और किस टैक्स पीरियड के अगेंस्ट आपके साथ प्रोसीडिंग्स की गई है, इश्यूज इन्वॉल्व्ड में क्या है, आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो वो इश्यू यहाँ पर मेंशन किया रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ HSN कोड रहेगा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी, सेक्शंस ऑफ द एक्ट अंडर विच द डिमांड इज क्रिएटेड, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सेक्शन 62 जो आपके साथ नोटिस शेयर किया जाएगा, डिटेल्स ऑफ डिमांड के अंदर यहाँ पे आपका टैक्स रेट, टर्नओवर, टैक्स पीरियड एक्ट, जो भी आपका उसके अंदर ASMT 13 के अनेक्जर में था सेम डिटेल्स यहां पर भी पोस्टेड रहेंगी, क्योंकि DRC 07 जो है डिमांड का आपके पास समरी ऑर्डर आता है। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट बाय द डेट फॉलोइंग विच द प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो ये आपका DRC 07 और ASMT 13 का जो है पूरा कार्रवाई होता है, इसके रिप्लाई में आपको 30 डेज के अंदर अपनी पेंडिंग रिटर्न जो है फाइल कर लेनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी एएसएमटी 13 क्या है और कब इशू होता है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए
साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।